रानी अवंतीबाई लोधी का जीवन परिचय। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेरी जिला सिवनी में जमींदार राव जुझार सिंह के घर लोधी परिवार में हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ था। उनके दो बच्चे थे, कुंवर अमन सिंह और कुंवर शेर सिंह। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजा विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। जब राजा बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अभी नाबालिग थे। एक रानी के रूप में उन्होंने राज्य मामलों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। महारानी अवंतीबाई लोधी एक भारतीय रानी शासिका और स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम शहीद वीरांगना थी। वह मध्य प्रदेश के रामगढ़ की रानी थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कट्टर विरोधी के रूप में जानी जाती हैं और ज्यादातर लोक कथाओं से आती है। 21वीं सदी में उन्हें लोधी राजनीति में एक आइकन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वह लोधी राजपूत समुदाय से आती हैं। गोंड राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में हुए विशाल सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई को मिली। रानी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पड़ोसी राज्यों के राजाओं और जमींदारों को पत्र के साथ कांच की चूड़ियां भेजी और पत्र में लिखा, या तो मातृभूमि की रक्षा के लिए कमर कस लो या कांच की चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। तुम्हें अपने धर्म की शपथ पूरी करनी चाहिए। जिसने भी यह संदेश पढ़ा वह देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गया। रानी की अपील की गूंज दूर दूर तक गूंजी और योजना के अनुसार आसपास के सभी राजा अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अवंतीबाई ने 4000 की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया। अंग्रेजों के साथ उनकी पहली लड़ाई मंडला के पास खैरी गांव में हुई, जहां वह और उनकी सेना ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन को हराने में सफल रही और उसकी सेना ऐसी कि उन्हें मंडला से भागना पड़ा। हालांकि हार से आहत अंग्रेज रीवा के राजा की मदद से प्रतिशोध की भावना से वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। अवंतीबाई सुरक्षा के लिए देवहरिगढ़ की पहाड़ियों में चली गईं। ब्रिटिश सेना ने रामगढ़ में आग लगा दी और रानी पर हमला करने के लिए देवहरगढ़ की ओर रुख किया। अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना से बचने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। हालांकि जब युद्ध में लगभग निश्चित हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने 20 मार्च 1858 को अपनी तलवार से खुद को छेदकर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। रानी बालापुर और के बीच सुखी तलैया नामक स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुई। रामगढ़ इसके बाद इस क्षेत्र से आंदोलन दबा दिया गया और रामगढ़ भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। रामगढ़ में महल के खंडहरों से कुछ दूरी पर पहाड़ी के नीचे रानी की समाधि है, जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके निकट ही रामगढ़ राजवंश के अन्य लोगों की भी कब्रें हैं। इंडिया पोस्ट ने अवंतीबाई के सम्मान में 20 मार्च 1988 और 19 सितंबर 2001 को दो डाक टिकट जारी किए हैं।